नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कवर होम में। तो फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेकर आए हैं हम अपने प्लांट के बारे में, जिसका नाम है हिबिस्कस। हिबिस्कस प्लांट में फ्रेंड्स जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो आती है मिलीबग की। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको शो कराती हूँ कि हमारा जो प्लांट है उसमें भी मिलीबग लगी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी, आप जैसा कि देख पा रहे हो मेरे इस प्लांट पर चल रही हैं चींटियाँ, जो कि इसके जो मिलीबग है उसकी फार्मिंग का काम करती हैं। इसके जो एग होते हैं उनको वापस से इस प्लांट पर ले आती हैं। तो ये प्रोसेस को रोकने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा, मैं यही सब आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे इसको कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो फ्रेंड्स मिलीबग को अपने प्लांट पर से। आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट पर भी बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं जो कि इस मिलीबग का को की फार्मिंग जैसी कर रही हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितनी सारी मिलीबग लगी हुई है मेरे इस प्लांट पे, ये देखिए। तो मैं इसका ही सॉल्यूशन आपको आज बताऊंगी कि आप इसको कैसे हटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से मिलीबग से अपने प्लांट को बचा सकते हैं और इन छोटे छोटे सफ़ेद कीड़ों से कैसे अपने प्लांट को सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पर यूज़ करने होंगे तीन मेथड, जो कि मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको चेक करना है अपने प्लांट में कि कहाँ मिलीबग लगी हुई है, जैसा कि मैं आपको इस तरह शो करा रही हूँ। ये देखिए मेरे इस प्लांट में यहाँ पर मिलीबग लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, इस जगह लगी हुई है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है ये पत्तियों के ऊपर ही नहीं, ये पत्तियों के नीचे भी लग जाती है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि कहाँ पर मिलीबग लगी है, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जहाँ भी आपके प्लांट में मिलीबग लगा हुआ है तो आपको इस तरह से सिंपली उस ब्रांच को कट कर देना है और अपने प्लांट पर से इस तरह से मिलीबग को हटा देना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये जो आप देख पा रहे होंगे इस प्लांट पर बहुत सारी मिलीबग लगी हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से भी ये भी प्रोसेस है कि आप इसको अलग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि चींटियाँ इन्हें वापस ले आती हैं आपके प्लांट पर। तो इस तरह से कर दीजिए। तो इस तरह से आप प्रूनिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की और इस पर से कट कर सकते हैं इस तरह से, तो भी मिलीबग हट जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इस प्लांट में लगी हुई है मिलीबग यहाँ पे, इस जगह। तो हमको करना क्या है, जब भी हमको इसको पानी देना है प्लांट को, तो आप प्रेशर से पानी दीजिए जिससे ये सारी मिलीबग आपकी हट जाएगी इस तरह से। इस तरह से भी आप प्लांट पर से मिलीबग को हटा सकते हैं। तो आपको इस तरह से तेज स्प्रे का यूज़ करते हुए अपने प्लांट पर से इस तरह से मिलीबग को हटा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको एकदम तेज स्प्रे करना है। और इस पर से इस तरह से स्प्रे करते हुए आपको सारी मिलीबग को हटा लेना है। ये हमारे प्लांट की हो गई है अच्छे से धुलाई, हमने इस पर से सारा मिलीबग जो है वो नीचे गिर गया है, हटा लिया है, पूरे प्लांट को कर लिया है हमने धो के क्लीन। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, हमें जो थर्ड यूज़ करना है, हमें इस तरह से कोई भी स्प्रे की बॉटल ले लेनी है और उसमें इस तरह से कोई भी आप लिक्विड सोप ले लीजिए
कुछ भी ले सकते हैं फ्रेंड्स आप। इस तरह से इसको आप थोड़ा सा इसमें डालिए, इस तरह से थोड़ा सा यूज करते हुए। इस तरह से लगा लीजिए कैप को और इसको करेंगे हम थोड़ा शेक। और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। तो हमें अपने प्लांट पर करना है ऐसे स्प्रे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा हो कि मिलीबग है तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपके पास यदि नीम ऑयल हो तो आप थोड़ा सा पानी में नीम ऑयल की 4-5 बूंदें मिलाकर भी आप दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आ गया हमारा लैबी, प्यारा सा क्यूटी सा लैबी। लैबी ओ क्यूटी, ये देखिए इसे पानी पीना है। ठीक है फ्रेंड्स हम करते हैं अपना काम, कर लेते हैं स्प्रे। सारे प्लांट को अच्छे से आप इस तरह से स्प्रे कर लीजिए, नीचे ऊपर। फ्रेंड्स आपको अच्छे से देख लेना है कहीं भी आपकी मिलीबग रह ना जाए, क्योंकि ये पत्ती के ऊपरी तह पर ही नहीं होती है, कभी कभी उसके नीचे भी होती है। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके जो प्लांट है उस पर से पूरी मिलीबग हट गई है कि नहीं। तो इस तरह से आप स्प्रे कर दीजिए इस पर। और फ्रेंड्स इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को आप इसी तरह से रहने दीजिए, जिससे जो भी मिलीबग होगी वो इस प्लांट पर से हट जाएगी, चली जाएगी, मर जाएगी। और फ्रेंड्स इसके बाद यदि आधे घंटे के बाद हमको इस पर फिर से पानी से स्प्रे करना होगा, जिससे हमारा जो प्लांट है फिर से एकदम ग्रीनिश हो जाएगा, एकदम हरा भरा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो हमारे जो प्लांट है उस पर जो हमने लिक्विड सोप डाला था उसे आधा घंटा हो गया है। तो अब हम अपनी जो पत्तियां हैं, जो स्टेम है हिबिस्कस के प्लांट की, उनको वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी ये चेक करते रहना होगा कि आपके प्लांट पर कहीं मिलीबग लगी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने प्लांट को चेक करना है, कहीं इसमें मिलीबग तो नहीं है, इसका अटैक तो नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको लगे कि इस तरह का कुछ है तो आप या तो इसकी स्टेम को कट कर दीजिए वहाँ से, यदि ज़्यादा मिलीबग है तो, या थोड़ी सी है तो आप इस तरह से स्प्रे करके उसके बाद लिक्विड सोप का स्प्रे कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप एक बार और प्लेन वाटर से वॉश कर दीजिए, तो जो आपका प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और जो मिलीबग की प्रॉब्लम हो जाती है हिबिस्कस में फ्रेंड्स वो नहीं आपको फेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमने कर लिया है अपने पूरे प्लांट को वॉश। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर, कितना नया, बहुत ही ज़्यादा। देखिए इसका फूल भी है, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो आप देख पा रहे हो एकदम ग्रीनिश हो गई हैं, कहीं भी इसमें अभी हमको मिलीबग नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में ट्रीटमेंट कर सकते हैं मिलीबग का और अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह से ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।